अभी लास्ट एंडिंग देखिए, ओमर कृष्णा बैठा है ये बंद गोभी का। इतना बिजी है बच्चे, इतना सारा की बाबा घर भी ना घर खिचड़ी इतना बच्चे। मैं दीदी का ससुर का बर्फी बना रही हूँ, उसका खिचड़ी बना रही हूँ मैं। मेरा हेल्पर पूरा मेहमान खा पी के चला गया, इधर तो आया नहीं मेरा। तू ये चीज यही बोलते रहे, ऐसा कैमरा नहीं करना, मुझे पता है वो डांटेंगे, फिर भी मैं करूँगी। कब व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि पता ही है आप लोगों को कल प्रोग्राम है घर में, तो अभी मैं वो लाने जा रही हूँ चूल्हा मतलब ओवन और कढ़ाई में अस्टिनी ये सब खाना बनाने के वाला बर्तन। तो ओम के पापा और मैं जा रही हूँ और दो चार लोग मतलब दो चार फैमिली और भी बाकी है, उनको भी इन्वाइट करना है तो इसीलिए निकल रहे, तो आप लोग देखते रहिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों अभी मैं ये बर्तन लेने आई हूँ खाना बनाने के लिए। देखो बड़ा वाला मैं स्टीन कढ़ाई ये सब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप लोगों को तो पता है, मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी हो ये सब लेने आई हूँ। ये अब रूप की मम्मी के घर आई हूँ, इनको इनवाइट भी करके जा रही हूँ और बर्तन भी लेके। बच्चों हाय कर दो। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए, चूल्हा भी दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखो चूल्हा खाना बनाने के लिए, चूल्हा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, ये है चूल्हा। रुक जाओ लाइट देती हूँ। हाँ ये चूल्हा भी लेके जा रही हूँ। ठीक है चलो, ये ओम कृष्णा के पापा भी जाऊँगी। दो तीन दुकान गए थे सामान लेने के लिए, लेकिन प्योर भेज है ना, तो भेज दुकान वाला बोला कि हमें तो पता नहीं, हम तो भाड़े में देते हैं चूल्हा कढ़ाई वगैरह, भेज नॉन भेज क्या पकता है, तो मेरा नहीं मन नहीं माना। तो तब अभी आपके मम्मी के घर में जब हम इन्वाइट करने गए तो बातों में बात हुआ, तो उन्होंने बोला कि अरे यार मेरे पास तो, मैं तो पूजा का पूरा अलग बर्तन ही है, कुछ दिन पहले तो उसके घर में भी पूजा था, तो बोले चलो मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है। तो मेरे पास भी थोड़ा बहुत बर्तन था पूजा का, लेकिन इतना बड़ा वाला नहीं, क्यों घर में तो है इधर तो नहीं है। तो चलिए हम लोग रात को सब निपटा के रख देंगे, सब्जी वगैरह काट के, आप लोग भी देखते रहिए। दोस्तों देखिए इधर है खीर बनाने के लिए चावल, और ये है अमूल गोल्ड। हाँ अमूल गोल्ड का दूध का पैकेट। तो दोस्तों इसी छोटा बड़ा सब कुछ मैं थोड़ा ज़्यादा जो भी कर रही हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बीच बीच में भूल भी गई बहुत कुछ। तो देखिए अभी रात को 10 बजने को है, तो बच्चों ने खाना खा लिया, मैं और इसके पापा ने ही खाए क्योंकि खाने के बाद नींद आ जाता है। फिर भी बच्चे ने कृष्णा ने यहाँ से 3 किलो मिर्ची का वो मिर्ची का नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना उसको निकाला, और मटर छिला ओम ने 2 किलो के और 7 किलो मटर चला। और देखिए मैं बैठ बैठ के बंद गोभी काट रही हूँ, और क्योंकि बंद गोभी ना 25 किलो था, और आलू छील के रख दिया काट के पानी में भिगो के, तो वही सब आप लोगों के साथ मैं बोली चलो थोड़ा अभी टाइम है तो बाबा दूर से थोड़ा वीडियो कर ले, वही आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ। तो देखते रहिए। ये देखो मेरा दीदी भी आ रखा है, ये मेरा दीदी की गुड़िया है, और ये दीदी है, और ये मेरी मिसेस। बच्चे देखिए आयुष ओम कृष्णा, देखिए पूरा उधर उधर उस रूम में बेटा देखिए आयुष ओम कृष्णा मिलके कितना काम कर रहा है, पूरा टेबल चेयर लगाना। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी। तो देखो दोस्तों मेरा हेल्पर, ये हेल्पर कौन है, आप लोगों मास्टर शेफ, आप लोगों को भी अगर चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए मेरी दीदी आई है, दीदी हाय बोलो, और ये दीदी की लड़की हाय बोल दे बेटा, और ये है कुलदीप भैया, और कुलदीप भैया का तो आप लोग पहचानते हैं। तो हम लोगों का भी चल रहा है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों आप लोग भी साथ रहिए।
देखो दोस्तों, दिखा रही है कि दूध लेके आई है, देखो नहीं आई है सवेरे से, देखो लेकिन आपको देख के पता नहीं चल रहा कि आप इतना काम करके आई हो। ये है दीदी, हमारी दीदी, और ये दीदी हमारे नीचे रह गई। ऐसा बर्तन मारने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी, कोई भी अब स्त्री ना पोस्ट, कोई भी खुद का इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आलू फ्राई हो गया, इधर दाल फ्राई हो गया, अभी नारियल काटेंगे, अभी गोभी चढ़ाना है। हाँ, इतना सारा गोभी है, और हमारे फ्रेंड्स लोग भी हम लोगों के साथ है। देखो दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी साथ में। आयुष की मम्मी टाटा करो। और ये देखो असिस्टेंस, असिस्टेंस फ्री का लेबर। तो देखो दोस्तों, ये बंद गोभी का सब्जी हो रहा है, अभी इसमें आलू जाएगा, मूंगफली तो दे दिया, अभी ये मटर भी जाएगा, मटर को भी थोड़ा फ्राई करके दे रही हूँ। डाल दो। ठीक है, कितनी सौभाग्यशाली हूँ, देखो आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। देखो ये कौन है, ये देखो, इतने लोगों का, आयु की मम्मी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है दोस्तों। देखो ज़रूर दिखाना है, बोलो कुछ आयु की मम्मी, आप पसीना पसीना हो गए। दीदी का ससुर का बर्थडे मना रही हूँ, उसका खिचड़ी बना रही हूँ मैं। ठीक। और ये देखो दीदी हम लोगों के साथ कंटिन्यू सपोर्ट में खड़ी है। तो फिर दोस्तों जल्दी से आ जाओ, सब कुछ ससुर का बरसी में सब आइए। यस, प्रसाद खाइए। यस, गरम कीजिए ना। ठीक है, और आयुष के पापा आप देख लीजिए, आयुष के पापा सो रहे हैं, मैडम जी अभी खिचड़ी बना रही है। अभी ये भैया वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैं बोली, कुछ बोलो भैया को, कुछ बोलो। क्या बताएं, ये तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अभी सोने दीजिए इनको। जब खिचड़ी बन जाएंगे तो आ जाएंगे प्रसादी खाने के लिए। बस चलो ठीक है दोस्तों, आंटी हाय कीजिए। कई सालों बाद ये टेस्ट और खाने में खाने मिला है, वो भी आपके बरसी के पापा के, लिटरली हेड्स अप है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। मैं बोल रहा था सबसे पहले खाने हम ही रहे हैं, तो फर्स्ट गेस्ट, हां फर्स्ट गेस्ट, चीफ गेस्ट, नॉट गेस्ट, चीफ गेस्ट, सही है, गेस्ट सब लाएंगे, हम चीफ गेस्ट। देखने में जैसे उससे भी बढ़िया, खाने में और बढ़िया। खिचड़ी बहुत जमेगा, पूरा जम जाएगा खिचड़ी। अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। आयुष की मम्मी ने बनाया। अच्छा पूजा दीदी ने बनाई है? मैं तो चावल खरीद चावल का फोरन डाले आप ही ना। ना दीदी, ये पिलाने वाली बात है ना, इतना बड़ा मतलब बर्तन में वो ही मेन है, बताए आपको फोरन तो मैं ऊपर से डाल, ऊपर वाला कुणाल की माँ की तरह आपको भेज दिया। अरे वो दीदी मतलब क्या बोल दीदी, अरे उसको कुणाल की माँ को फोन कर दिया, कल किया था अभी दिखाना, फोन कर दिया दीदी के वो दीदी में बोलती ना सुबह 6 बजे आ जाती आज के दिन ना मेरे घर में सुबह 6 बजे मतलब वो दीदी मेरी माँ है, अगर मेरी माँ की जगह ले पाएगी ना वो दीदी है, सुबह 6 बजे आ जाएगी और मेरे पास आके बैठ जाएगी, भैया चल एक काम कर, उसका बर्थडे था ना उसने मैं ही बनाई थी। अच्छा दीदी नीचे वाली, अच्छा उसका होता है दीदी, चिकन बनाई थी, हर कोई नहीं होता दीदी, हर चावल आपकी जैसा, वो दीदी भी बाबा, वो दीदी ये तो भाभी बोलता, हाँ ये तो भाभी बोलता है ना, देखते बच्चा बंदरा बाबा इखने सब कुछ के आप मना के। अभी रुको खीर बाकी है, और ये तो बहुत बढ़िया एक
उसको ये मेरी दीदी है और ये मेरी भाभी है, मतलब हमारी इधर आई है और ये भाभी की लड़की अरे जाना कहाँ छोड़ना है, पीछे से कर रही हूँ वो पूजा कर रहे हैं पापा जी का। तो आप लोगों के साथ देखो मैं तेरा कैमरा कर रहा हूँ। नीचे खाली बैठोगे क्या, आसन लेके बैठना है। तो देखो मैं आप लोगों को बोली थी ना वो भगवान से आगे पापा को मानते हैं, मुझे बोला था कैमरा नहीं करना, मुझे पता है वो डांटेंगे फिर भी मैं करूँगी। आप लोग मेरा फैमिली और मेरे दोस्तों शेयर करूँगी, अच्छा वक्त बुरा वक्त हंसी खुशी दुख सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है पापा जी, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है मेरे फादर इन लॉ ससुर जी, पापा जी का आशीर्वाद हम लोगों के सर पे है। गोपाल कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद, बाबा इधर लाइटो दिए दे, ऊपर लाइटो दिए दे आरो आलो होवे। हम कैमरा को छी मां, भगवान को भी एक बार प्रणाम कर लो। लड्डू गोपाल जी को कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मैं साफ कर लूंगी, आप आ जाओ मैं साफ कर लूंगी, आप चले जाओ उधर चले जाओ। जो कटी उधर है, उधर है वो है अगरबत्ती, वो है गीता के साइड में वो जो नीचे, हाँ मोमबत्ती उधर है पापा जी के उधर टेबल के नीचे। तो दोस्तों आगे भी दिखाते रहूंगी, देखते रहिए ठीक है दोस्तों। এতটা তেল দিয়েছো তিন দিন ধরে জ্বলবে। ওখানটা একটু জল নিয়ে এখানে ঢেলে দাও। ওখানে খোলার মধ্যে না গেছে, খোলার দিয়ে আগে নিয়ে যায় গেছে, ওর মধ্যে কাপড় আছে। एप्पल है, खीरा है और बूंदिया है, खीरा है और ये बूंदिया है। नहीं सुन, एक एक पीस खीरा, एक एक पीस एप्पल, एक एक बूंदिया, अगर भैया लोग भूल भी जाए। ओके ओके ओले बाबा ले, ओके बाबा। আমাকে দেখ।
রাখো রাখো আসো হ্যালো বলে দে হ্যালো হ্যালো তোমার মিডিয়ে नया घर में गया मेरा शिफ्टिंग था यहाँ से माँ सामान लेके गया फिर वहाँ पे सेट किया घर क्लीन किया इतना गंदा हाँ, आप लोग तो दो दिन में ना सही बात है क्लीन किया भाई ये लगे एक बार बताऊँ मैं ये बंदा यहीं पे नीचे रेट पे रहते थे यहीं रहते हुए इन्होंने यहीं पे घर लिया এদিকে দেখ এদিকে দেখ হিরো হিরো এদিকে দেখ হিরো হ্যালো হিরো শাহরুখ খান আন্টি প্রসাদ কেমন হয়েছে মা কালকে যদি ভিডিওগুলি না ছাড়ো না আমার কপালটা শেষ আমি দেখেছি আমার পছন্দ হবে না আমার কিছু আচ্ছা শুনেন আরেকটা কথা পরীক্ষা শেষ হলে এমনি দেখ দিন ঘুরতে আসবে আচ্ছা খুশি তুই এই যে এই বলতে ये देखिए ये मेरा सर है और मेरा दोनों बिग बॉस है ये मेरा सर है और ये मेरा स्टाफ है और ये सारे स्टाफ है इधर तो आया नहीं ये मेरा सर का बॉस है बिग बॉस है ये मेरे दोनों भाई हैं ये भी दोनों छोटे भाई हैं सारे हम लोग एक साथ आ रखे हैं ये मेरी गुड़िया है ये मेरा बॉस का बिग बॉस है इसके ऐसे बॉस कम है नीचे वाला लाइट बंद है क्या नीचे वाला लाइट सामने वाला लाइट भी जला दो इधर का इधर ऊपर वाला बाबा थोड़ा आज भी ना सोना
तो दोस्तों अभी जाके पूरा का पूरा मेहमान खा पी के चला गया। आयुष को तब पहचानते हो, आयुष ने खाना खा के अभी घर गया। आयुष खाना खा के अभी मैं ओम कृष्णा और उसके पापा खाना खाएंगे बैठ के, भूख लग गया। अभी रात का ज़्यादा नहीं 11:10 है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को थोड़ा, मैं सोच रही हूँ कि पहले ना थोड़ा ठीक ठाक करके मतलब थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि नहीं तो खाना खाने के बाद ना आलस आ जाएगा। तो देखिए थकावट से पसीना पसीना हो गई मैं गर्मी। रुक जाइए ओम के पापा को दिखाती हूँ, वो ऊपर गए हैं कुर्सी वगैरह लगाने के लिए। बाबा गेट लॉक करके आ जाओ बाबा। हाँ बोल। देखिए ओम कृष्णा बाइक घुसा रहा है इसके पापा को, और मैं चाबी लेके आई हूँ। ले अंदर से लॉक करेगा? अच्छा, और बाहर से भी लॉक करते हैं क्या? ठीक है दोस्तों, साथ में ये देखिए दोनों भाई मिलके, रात हो गया ना इसलिए लॉक करने गेट लॉक कर रहे हैं अभी फाइनली। उसके बाद जाके फ्रेश होके हम लोग खाना खाएंगे। और मैं जो बोलती हूँ ना, ये काली माता का मंदिर देखिए, लाइट पूरा रात जलता रहेगा जिस मंदिर में जाती हूँ। बाबा ये मेन गेट लॉक नहीं करोगे? ये वाला बड़ा वाला गेट का ये है दूसरा गेट, मतलब 1, 2, 3, 4 गेट है, 4 गेट का ओम ताला लॉक कर रहा है। अभी रात हो गया तो बच्चा बाटी थक गए ना, अभी फ्रेश होके खाना खाना है। नहीं थका। चल मैं पहले फ्रेश तो दोस्तों देखिए आयु भी हम लोगों को कितना सपोर्ट किया। आयु बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय, गुड नाइट। क्या बोल, एक मिनट रुकिए। दोस्तों देखिए अभी पूरा गेस्ट चला गया। रुक जा कृष्णा, अभी देख रहे हैं 3 बाप बेटा पूरा प्रोग्राम का वो किया था, तो पता नहीं बीच बीच में कृष्णा ने थोड़ा बहुत वीडियो किया भी या नहीं, तो वो देख रहे। ओम अभी बैठ जा। दोस्तों खीर देखो इतना सारा खीर, बाबा घाट भी ना, घाट ले नष्ट हो जाए, हिला ना नहीं, तो इतना सारा खीर बच गया। और दिखा रही हूँ क्या किया, थोड़ा बच गया क्योंकि 15-20 आदमी ना कम आया, 100 आदमी का 125 आदमी था ना, 125 आदमी था ना, हाँ ऐसे 20-25 आदमी कम आया, प्लेट से गिने हम लोग तो 111 आदमी आया, तो उस 20-25 आदमी का देखिए खाना इतना बच गया। और दिखा रही हूँ रुकिए, छोटे बर्तन में ले लिया, छोटा क्या वो जो स्टील का बड़ा वाला मैश थे ना उसमें देखिए बंद गोभी इतना बच गया, और चटनी जो बनाई थी वो ये है चटनी बच गया। तो सलाद तो चलो ये आ जाएगा, हम लोग ख़राब भी नहीं होगा, लेकिन सब्जी इतना सारा बच गया और ये बच गया चटनी। और तो खीर तो उधर है, दिखाइए आप लोगों को, रुक जाइए खिचड़ी भी दिखाती हूँ। और फ्रूट्स में देखिए एप्पल्स इतना सारा बच गया, और खीरा ना मैंने छील लिया था तो खीरा भी इतना सारा बच गया। देखो देखो बूंदिया, देखो एक मिनट बूंदिया इतना ही बचा ना, अच्छा बूंदिया इतना रुक। रोल फिंगर चिप्स पापड़ जो फ्राई किया था तो इतना सा ही बचा पापड़। और इधर क्या बचा रहे, इसमें थोड़ा सा और खीर है, इसमें थोड़ा सा और सब्जी है, इधर छोटा चटनी, इधर खिचड़ी, और भी खिचड़ी है दिखा रही हूँ। देखिए खिचड़ी इतना बच गया, मतलब जो 20-25 आदमी कम आया ना वो लोग आते तो ठीक ठाक हो जाता, चलो एक ही आदमी का हो बच जाता, कोई बात नहीं तो फिर देखती हूँ। देखिए अभी कचरा फेंकने के लिए जा रहे हैं, और कुलदीप भैया ने अपना रूम हम लोगों को पूरा छोड़ दिया था, और अभी भैया आ रहे हैं, अभी ओम कृष्ण के पापा और कुलदीप भैया खाना खाएंगे, और देखिए कृष्ण के हाथ पे भी डस्टबिन है, वो फेंकने जाएंगे। दोस्तों देखिए काली माता जगह है, अभी 12:45 हो रहा है, हम लोग डस्टबिन फेंकने जा रहे हैं। देखिए चुप चुप बहुत सारा जम गया ना, चुप चुप उधर फेंक के आएंगे, सवेरे ने अच्छा नहीं लगता। तो अभी लास्ट एंडिंग देखिए, ओम कृष्णा बैठा है और भैया और ओम कृष्णा के पापा अभी खाना खा रहे हैं हम लोगों ने। ओम कृष्णा चेंज कर ले बाबा। तो दोस्तों प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बोलिएगा, आप लोग कुछ बोल दो। थैंक यू भैया। तो दोस्तों फिर ऐसे वीडियो देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा। तो फिर कल फिर मिलते हैं नया नूतन सकाल नूतन आलो, सबा मिले थकब भलो, गुटी गुटी पाए तुम्हारा सबा हमारे एगिए चलो। ठीक है दोस्तों, तो फिर गुड नाइट।